हेलो दोस्तों, आज मैं जो वीडियो रिकॉर्ड करने जा रहा हूँ उसमें हम देखेंगे कि भारत के जो प्लेयर हैं उनका जो स्टेटिस्टिक्स है, यानी उनका जो रिकॉर्ड है और उनका जो परफॉर्मेंस है इस साल का, उस हिसाब से हम देखेंगे कि उनका परफॉर्मेंस क्या हो सकता है एशिया कप में। क्या वो अच्छा परफॉर्म करने वाले हैं या बुरा परफॉर्म करने वाले हैं, उसका हम तो सिर्फ अंदाज़ा ही लगा सकते हैं। तो आइए देखते हैं उनका स्टैटिक्स के बारे में, क्या कहते हैं उनके आंकड़े। तो जो खिलाड़ी सिलेक्ट हुए हैं वो 15 खिलाड़ी सिलेक्ट हुए हैं, बारी बारी से हम सबका रिकॉर्ड देखेंगे। रोहित शर्मा के वैसे तो ओवरऑल जो आंकड़े हैं काफ़ी अच्छे हैं। 132 मैच में 3487 रन, 31 का औसत, 140 का स्ट्राइक रेट किसी भी T20 फॉर्मेट में काफ़ी अच्छा कहा जा सकता है। लेकिन इस साल के जो आंकड़े हैं वो हैं 13 मैच में 290 रन, 24 का औसत, 140 का स्ट्राइक रेट में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो औसत है वो काफ़ी गिर गया है। ये रोहित शर्मा जिस लेवल के बैट्समैन हैं उस लेवल के बैट्समैन के लिए आंकड़े सही नहीं है। दूसरे खिलाड़ी हैं जो ओपन करेंगे रोहित शर्मा के साथ, वो हैं केएल राहुल ने इस साल कोई भी T20 मैच नहीं खेला है। ओवरऑल उनके जो आंकड़े हैं वो रोहित शर्मा से काफ़ी अच्छे हैं। 56 मैच में 1831 रन, 40 का औसत, 142 का स्ट्राइक रेट काफ़ी अच्छा होगा माना जाएगा। अभी ये चोट से उभर कर वनडे सीरीज जिम्बाब्वे के खिलाफ खेलने गए थे, इसमें पहले मैच में तो कुछ खास नहीं कर पाए, लेकिन पहला मैच में उन्हें बैटिंग नहीं मिला, दूसरा मैच में कुछ खास नहीं कर पाए, तीसरे मैच में वो 30 रन बनाए लेकिन वो भी काफ़ी मुश्किल से, काफ़ी गेंदे खेलने के बाद। विराट कोहली का फॉर्म, जो हालिया फॉर्म है, सभी के लिए चिंताजनक है और सभी चाहते हैं कि उनका वो जितना जल्दी इस फॉर्म से उभर जाए उतना बेहतर है, और यही उनके 2022 के आंकड़े भी कहते हैं। ओवरऑल उनका देखा जाए तो 3300 के लगभग रन है, 50 का एवरेज है और 137 का स्ट्राइक रेट, लेकिन इस साल का परफॉर्मेंस देखा जाए तो 8 मैच में 81 रन, 20 का औसत, 128 का स्ट्राइक रेट। अगर ये आंकड़े किसी को भी दिखा के कहे जाएँ कि ये विराट कोहली का आंकड़ा है तो कोई भी मानेगा नहीं, क्योंकि विराट कोहली ने अपना जो स्टैंडर्ड एक सेट कर दिया है ना, वो स्टैंडर्ड ही अलग है। नेक्स्ट बैट्समैन है ऋषभ पंत। हालांकि बहुत अच्छे बैट्समैन हैं, चाहे वो ODI में हो या टेस्ट में हो, लेकिन जब वो 2020 में आते हैं तो उनके आंकड़े जो हैं, उनका जो परफॉर्मेंस है उनसे उनके आंकड़े मैच नहीं करते हैं। वनडे और टेस्ट में जो खेलते हैं उसके मुकाबले T20 में अगर देखा जाए तो 54 मैच में मात्र 883 रन, 23 का औसत, स्ट्राइक रेट भी वह काफ़ी कम है, लेकिन उस हिसाब से अगर 2022 का परफॉर्मेंस देखा जाए तो कुछ बेहतर माना जाएगा। 13 मैच में 260 रन, 26 का औसत जो कि 23 से तो अच्छा है, और स्ट्राइक रेट भी इनका बढ़ा है 126 से 135 का, तो थोड़ा सा सुधार तो कहा ही जा सकता है। नेक्स्ट है सूर्य कुमार यादव। भारत में फिलहाल जो बैटिंग ऑर्डर है उसमें अगर सबसे कोई मजबूत कड़ी माना जाएगा तो सूर्य कुमार यादव को ही माना जाएगा, क्योंकि इनके जो आंकड़े हैं वो कुछ अलग ही कहानी कहते हैं। पहले जो इनका आंकड़े थे 23 मैच में 672 रन, 37 का औसत है और स्ट्राइक रेट 175 का, 175 बहुत ज़्यादा होता है स्ट्राइक रेट। इस साल की हम बात किया करें सूर्य कुमार यादव के बारे में तो इन साल उन्होंने 12 मैच खेले हैं जिसमें 428 रन है, 38 का औसत से, और स्ट्राइक रेट 175 से बढ़कर 189 हो जाता है। अगर मेरे हिसाब से अगर आंकड़े जो गवाही देते हैं उस हिसाब से अगर देखा जाए तो भारत का जो एशिया कप गुजरने वाला है उसमें तुरुप का इक्का साबित हो सकते हैं सूर्य कुमार यादव।
नेक्स्ट हैं दीपक हुड्डा, हालांकि इनका प्लेइंग 11 में खेलने पर मुश्किल है कि प्लेइंग 11 में शामिल किया जाएगा, लेकिन इनके आंकड़े को अगर देखा जाए तो इनके आंकड़े काफ़ी अच्छे हैं। 9 मैच में 274 रन, 54 का स्ट्राइक रेट, 161 का स्ट्राइक रेट और 54 का औसत, जो कि लाजवाब। एक जो बैट्समैन जो T20 में भी आके खेलना शुरू किया है उसके लिए ये आंकड़े बहुत अच्छे हैं, और मेरी माना जाए तो दीपक हुड्डा को तो प्लेइंग 11 में शामिल करना चाहिए। नेक्स्ट जो बैट्समैन है वह दिलेश कार्तिक, हालांकि इन ये सिर्फ लास्ट ओवर के लिए स्पेशलिस्ट बैट्समैन के रूप में इंडिया की टीम में अगर शामिल होते हैं, इंडिया टीम में प्लेइंग 11 में शामिल होते हैं एशिया कप में, तो इनको सिर्फ इसलिए शामिल किया जाएगा क्योंकि लास्ट में आकर पिच हिटर के रूप में काम करते हैं। वैसे इनका आंकड़े उतने अच्छे तो नहीं हैं इस साल के पहले के मुकाबले, इस साल जो उनका परफॉर्मेंस रहा है वो गिरा है। पहले इनका औसत 28 का था, अभी गिर के 21 हो गया। पहले स्ट्राइक रेट 140 का था, अभी 133 का हो गया है। तो देखा जाए तो इनका परफॉर्मेंस तो उतने अच्छे नहीं है। हार्दिक पांड्या और सूर्य कुमार यादव, ये हैं भारत के तुरुप के, ये अगर चल गए तो किसी भी मैच को एक तरफा कर सकते हैं, और यही इनके आंकड़े भी कहते हैं। इस साल के आंकड़े तो इनके पहले से लाजवाब हैं। पहले ये जहां 23 के औसत से रन बना रहे थे, इस साल इन्होंने 31 का औसत से रन बनाया है। हालांकि स्ट्राइक रेट में थोड़ा सा कमी हुआ है, लेकिन ये तो उतना मायने नहीं रखता है क्योंकि 5 का ही स्ट्राइक रेट है, ये कम ज़्यादा होते रहता है। बॉलिंग परफॉर्मेंस का अगर बात किया जाए तो बॉलिंग परफॉर्मेंस जैसा उनका पहला था उसको अभी भी स्थिर ही मान सकते हैं। 67 मैच में 50 विकेट, 27 का औसत, 20 का स्ट्राइक रेट, 27 का औसत बढ़ के 29 का हो गया है और 20 का स्ट्राइक रेट बढ़ के 21 का हो गया है, तो कुछ ज़्यादा अंतर नहीं है ओवरऑल देखा जाए। तीन ये कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस रहा है इनका। रविंद्र जडेजा हालांकि ये बॉलिंग करते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से तो ये बैटिंग ऑलराउंडर होने चाहिए क्योंकि T20 में ये स्पेशल इसलिए खिलाए जाते हैं क्योंकि ये बैटिंग भी कर लेते हैं। इनके आंकड़े को देखा जाए इस साल के आंकड़े पहले से तो काफ़ी लाजवाब है। इनके आंकड़े किसी भी बैट्समैन को, जहाँ तक कि रोहित शर्मा, विराट कोहली, केएल राहुल से भी, जो फैब 3 है इंडिया के, उनसे भी बेहतर इनके आंकड़े हैं। पहले जहाँ इनका आंकड़ा 23 का था, इस एवरेज 23 का था, अभी 55 का इनका एवरेज। पहले 124 का स्ट्राइक रेट था, इस साल इनका स्ट्राइक रेट बढ़ के 146 का हो गया है। तो अगर देखा जाए तो काफ़ी इम्प्रेसिव इनके आंकड़े हैं। अगर बॉलिंग की बात की जाए इनकी, तो बॉलिंग में इनका खासा गिरावट देखने को मिला है। जो पहले का औसत है बॉलिंग का और इस साल जो औसत है, काफ़ी ज़्यादा गिरावट है। इस हिसाब से अगर बॉलिंग के लिए इनको अगर टीम में शामिल किया जाता है तो कोई भी टीम इनको शामिल नहीं करेगी, लेकिन ओवरऑल ये काफ़ी अच्छे ऑलराउंडर हैं। किसी भी समय अपना गियर बदल सकते हैं बैटिंग में, और काफ़ी ये मैच विनिंग पारियाँ खेल चुके हैं अब तक भारत के लिए, जिनके कारण ये भारत के टीम में हमेशा रहते हैं। नेक्स्ट है भुवनेश्वर कुमार, जो भारत के स्ट्राइक बॉलर हैं और सबसे विश्वसनीय बॉलर हैं, और मेरे हिसाब से ये आज के समय में वर्ल्ड के सबसे बेस्ट बॉलरों में से एक माने जाएंगे। इनके आंकड़े भी इनकी गवाही देते हैं। बैटिंग में हालांकि इनको नहीं उतनी अच्छी नहीं है, लेकिन बॉलिंग इनके काफ़ी इंप्रेसिव है। 72 मैच में 73 विकेट, 23 का औसत, 20 का स्ट्राइक रेट, ये करियर स्ट्राइक रेट है। और इस साल की अगर बात किया जाए तो ये आंकड़े लाजवाब हो जाते हैं, जिनमें 17 मैच में 20 विकेट, 17 का एवरेज और
15 का स्ट्राइक रेट किसी भी बॉलर के लिए लाजवाब। और अगर आगे की बात किया जाए तो अर्शदीप सिंह का बात ही क्या किया जाए, ये नए नए अभी टीम में शामिल हुए हैं, बैटिंग का तो इनको ज़्यादा अनुभव भी नहीं है, साथ ये बैटिंग उतना चीज कर भी नहीं सकते हैं, लेकिन बॉलिंग इनका जो आंकड़ा है बॉलिंग का, इस साल जो अभी नया नया शुरू ही किया है, 6 मैच में इन्होंने 9 विकेट लिए हैं और मात्र 14 का एवरेज से और 13 का स्ट्राइक रेट, यानी हर 13 या 14 बॉल मान लेते हैं तो हर 14 बॉल फेंकने के बाद ये 1 विकेट ले लेते हैं, यानी 5 ओवर और ये को मैच में अगर ये 4 ओवर फेंकते हैं तीन 1 या 2 विकेट लेने का मात्रा तो है, इस हिसाब से इनका तो सिलेक्शन बनता है और ये चुने भी जाएंगे। आर अश्विन, हालांकि इनके प्रीलिंग में खेलने की संभावना मुझे कम ही लग रही है, इनके बॉलिंग आंकड़े जितने अच्छे हैं उतने ही अच्छे इनके बैटिंग आंकड़े भी हैं, किसी भी बैट्समैन के लिए किसी भी बॉलर के लिए ये ऑलराउंड परफॉर्मेंस कहा जा सकता है। इस साल तो इन्हें बैटिंग का ज़्यादा चांस नहीं मिला, लेकिन इन्हें जो बॉलिंग का चांस मिला वो भी कुछ खास नहीं कहा जा सकता है, 3 मैच में 3 विकेट, 26 का एवरेज, 24 का स्ट्राइक रेट, हालांकि अश्विन के आंकड़े से तो ये उनका इंसाफ नहीं करते हैं, लेकिन इन्हें ज़्यादा मौके भी नहीं मिले और ज़्यादा ओवर फेंकने का मौका भी नहीं मिला है। नेक्स्ट है वीरेंद्र चहल, जो कि प्लेइंग 11 में शामिल होंगे ही, ये स्पिनर की तरफ से अगुवाई करते हुए भारत का नज़र आएंगे। इनके ओवरऑल आंकड़े और इस साल के आंकड़े लाजवाब, करियर जो इनका मैच है 62 मैच में 79 विकेट 23 का औसत 17 का स्ट्राइक रेट, और जब ये 2022 में इसकी बॉलिंग करते हैं तब ये आंकड़े और भी इम्प्रेसिव हो जाते हैं, जिसमें 12 मैच में 15 विकेट 18 का स्ट्राइक रेट से, सॉरी 18 का एवरेज से और 15 का स्ट्राइक रेट से, जो कि काफ़ी लाजवाब है। रवि बिश्नोई, हालांकि मेरी अगर माना जाए तो रविचंद्रन अश्विन से पहले इनका सिलेक्शन होना चाहिए, इस साल ही डेब्यूट हुआ है और इनका डेब्यूट में इन्होंने 9 मैच खेले हैं, 15 विकेट लिए हैं, 16 का एवरेज है और 13 का मात्र स्ट्राइक रेट है, और देखा जाए तो ये 4 ओवर अगर डालते हैं तो 2 विकेट चटका ही लेते हैं, तो इस हिसाब से इनके आंकड़े बहुत लाजवाब हैं, इनको प्लेइंग 11 में शामिल होना चाहिए। आवेश खान, हालांकि आवेश खान का डेब्यूट इसी साल हुआ है, लेकिन इनके आंकड़े इतने इम्प्रेसिव नहीं हैं, मुझे पता नहीं चल रहा है कि आखिर इन्हें प्लेइंग में शामिल किया क्यों गया है, क्योंकि इनके जो बॉलिंग आंकड़े हैं किसी भी गेंदबाज के लिए सही नहीं है, T20 के लिए तो काफ़ी प्रॉब्लम है, इन्होंने आखिरी ओवर में अच्छे खासे रन भी लुटाए हैं और इनका इकोनॉमी भी उतना अच्छा नहीं है, किसी T20 बॉलर के लिए 31 का एवरेज और 22 का स्ट्राइक रेट उतना इम्प्रेसिव नहीं कर सकता है, स्ट्राइक रेट तो फिर भी ठीक है लेकिन एवरेज काफ़ी सोचने वाली बात है, इनको काफ़ी काम करना पड़ेगा इनको अपने बॉलिंग पे। तो यहीं पे हमारा वीडियो सभी का ख़त्म होता है, अब आप लोग बताइए कि हमारा प्लेइंग 11 क्या होना चाहिए। मेरे हिसाब से जो प्लेइंग 11 बनना चाहिए, पहले 6 स्लॉट तो बिल्कुल फिक्स है, रोहित शर्मा, केएल राहुल, ओपनिंग करेंगे, उसके बाद विराट कोहली आएंगे, चौथे स्थान पर मेरे हिसाब से सूर्य कुमार यादव को होना चाहिए, उसके बाद ऋषभ पंत
उसके बाद हार्दिक पांड्या। छठे नंबर पर अगर दिनेश कार्तिक को खेला जाता है तो दिनेश कार्तिक, और नहीं तो उनके जगह पर दीपक हुड्डा हो सकते हैं। सातवें स्थान पर जो रहेंगे वो होंगे रविंद्र जडेजा। ये जहाँ तक मुझे लगता है ये तो फिक्स होगा। दिनेश कार्तिक और दीपक हुड्डा में से कौन खेलते हैं इस पर थोड़ा कन्फ्यूजन है, लेकिन दीपक हुड्डा रहे प्लेइंग 11 में पाकिस्तान के खिलाफ तो बेहतर रहेगा। उसके बाद अगर आगे बात की जाए तो भुवनेश्वर कुमार प्लेइंग 11 में शामिल रहेंगे। भुवनेश्वर कुमार हो जाएंगे, अर्शदीप सिंह, इसके बाद युजवेंद्र चहल। एक स्लॉट खाली रह जाता है जिसमें या तो रवि बिश्नोई हो जाएंगे या आवेश खान या फिर रविचंद्रन अश्विन। अगर हम देखें तो अगर आवेश खान को लेते हैं तो तीन फास्ट बॉलर के साथ इंडिया जाएगा और एक हार्दिक पांड्या प्लस स्पिनर में रविंद्र जडेजा और युजवेंद्र चहल, छह गेंदबाजों का ऑप्शन होता है। अगर रविचंद्रन अश्विन को लेते हैं तो भारत के साथ छह गेंदबाज तो हो जाएंगे, साथ में एक बैटिंग का विकल्प भी बढ़ जाता है। रविचंद्रन अश्विन के साथ जाते हैं तो, और अगर हम रवि बिश्नोई के साथ जाते हैं तो भारत का जो गेंदबाजी है, क्योंकि काफ़ी अच्छे लय में है रवि बिश्नोई, तो गेंदबाजी आक्रमण काफ़ी बेहतर हो जाएगी। तो देखते हैं कि टीम इंडिया क्या फैसला करती है और क्या प्लेइंग 11 खिलाती है पाकिस्तान के साथ। इसी के साथ दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।